हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग हैगरैंक की एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मिनिमम हाइट ट्रायंगल। और ये प्रॉब्लम मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है, बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है। इसमें ये गिवन है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का बेस और एरिया गिवन है और उस ट्रायंगल का हमें हाइट गैस करना है कि क्या होना चाहिए। लेकिन इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक लाइन पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें क्लैरिटी हो कि हमें किस तरह से कंप्यूटेशंस करनी है। तो यहाँ गिवन है कि गिवन इंटिजर्स बी एंड ए, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटिजर एच सच दैट there exists a triangle of height h and base b having an area at least a। It means ये कह रहा है कि height अगर थोड़ी सी ज्यादा हुई तो एरिया थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। तो इसी जो हमारे पास पैरामीटर्स गिवन है उसके बेसिस पे हम सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस फार्मूला के हिसाब से अगर आप h फाइंड करें so h will be equals to 2 into area upon base। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमें हाइट मिनिमम फाइंड करनी है जिससे कि जो एरिया हो कम से कम इतना हो। इसका मतलब क्या है कि हाइट अगर थोड़ी सी ज्यादा हो तो एरिया हमारा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई कंप्यूटेशन करेंगे तो इस कंप्यूटेशन का हमें अपर बाउंड फाइंड करना चाहिए। दूसरी एक चीज और है कि जब आप कंप्यूटेशंस कर रहे होंगे तो यहाँ पे एरिया हमें इंटीजर में गिवन है, 2 भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है। इस केस में अगर आप कंप्यूटेशन करेंगे तो हमें इंटीजर बाय इंटीजर वाला आंसर मिलेगा जिससे हमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो मिस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं इसको कि फ्लोट बाय इंटीजर या इंटीजर बाय फ्लोट डिविजन बनाने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज पॉसिबल बाय मेकिंग 2 टू 2.0 सच दैट the numerator part becomes the float value and the denominator part will be an integer value. In this case, whatever answer comes that will be float. Fine. तो इसके बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी हम उसका अपर बाउंड ले लेंगे क्योंकि हमसे ये कहा गया है कि जो हाइट है वो इस तरह से फाइंड करनी है। आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़िए। Given integers b and a, find the smallest integer h such that there exists a triangle of height h and base b having an area of at least a। इसका मतलब है कि एरिया कम से कम a होना चाहिए। इसका मतलब है कि एरिया हायर साइड में जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास ये विंडो है जहां पे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसमें हमें ट्राइंगल का बेस और ट्राइंगल का एरिया गिवन है। अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ट्राइंगल का बेस इज इक्वल्स टू बी। कंप्यूटेशन आसान हो जाएगा अगर हम वेरिएबल्स छोटे लेंगे। एरिया इज इक्वल्स टू दिस वन। एक हमें हाइट चाहिए और हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है। तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने के लिए लेट्स से हमने h ले लिया, इंटीजर h, और फार्मूला हमने अप्लाई किया h इज इक्वल्स टू सील वैल्यू ऑफ 2.0 मल्टीप्लाइड विथ, आपको याद होगा फार्मूला, एरिया डिवाइड बाई बेस। फाइन, इससे जो भी आंसर आएगा h का हम उसको रिटर्न कर देंगे। रन करके देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं जो सैंपल टेस्ट केसेस है वो पास हो गए हैं। एंड बाकी सारे टेस्ट केसेस भी हमारे पास हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी विल कम अगेन विद न्यू हैकरैंक प्रॉब्लम ऑन द नेक्स्ट टर्म।